नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू NKC न्यूज़। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69 जागरूकता भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, जानते हैं कि केशव मौर्या जो हैं उप मुख्यमंत्री हमारे, वो आए थे बुलंदशहर में। दोस्तों, बुलंदशहर में आए तो छात्रों ने सभी उनको घेर लिया था। दोस्तों, मैं ये पिछले वीडियो में भी बता रखा हूँ, जो छात्र छात्राएँ नहीं जानते हैं वो अपना पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि जो अपडेट आया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वो सभी वहाँ पर आए हुए थे और क्या हम बात कहें और क्या क्या वहाँ से अपडेट निकल के आ रहे। कल की ताज़ा खबर है, संडे कल था आपको पता है, और बुलंदशहर में जो उप मुख्यमंत्री है वो आए हुए थे। दोस्तों, रैली चल रहा है, रैली में वो कहीं कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर उधर उधर। तो दोस्तों, सभी छात्र उनको घेर लिए थे और अपना 69 शिक्षक भर्ती जो है वो रिजल्ट को लेकर सही पूछताछ करना शुरू कर दिया, जो इतनी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है ये वो। तो दोस्तों, वो क्या बोले हैं ऑर्डर पब्लिश को लेकर, पूरी अपडेट अभी देखेंगे। और दोस्तों, अब जो है देखिए योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ द्वारा भी कुछ ऐसे अपडेट निकल के आ रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सभी को पता होगा कि मथुरा में योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। दोस्तों, आज आएंगे, कल तो को बता ही दिए थे। तो दोस्तों देखिए, मथुरा में तो आज आएंगे और कल मुख्यमंत्री से भेंट हुई थी और वो भी आएंगे, रैली में ही आएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है आपका भी पक्ष मोह रखेंगे तो आपका मुद्दा भी सुनाया जाए, क्योंकि देख रहे हैं लगातार नेशनल इंडिया पर भी, NDTV पर भी आपका 69 शिक्षक भर्ती का भी अवाद चल रहा है। ये भी भर्ती फंसी हुई है, किसी तरह ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो दोस्तों देखिए, अब जो है और कल वो भी आश्वासन दे थे, जो ऑर्डर जो है कल आपका मंडे को यानी पब्लिश किया जाएगा। देखिए, मंडे आज है और आज यदि पब्लिश हो जाता है मंडे को, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 12 से लेकर 4 बजे तक यदि आज पब्लिश हो जाते हैं तो शाम तक आंसर के भी आज आ जाएंगे। और दोस्तों, आज ही जताए जा रहे हैं कि आज आपका हो सकता है, आज मंडे हो गया, आज आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, आज जो है आपका शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कॉपी पब्लिश हो जाएगा और आंसर के भी साथ ही जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों यदि काम हो जाएंगे, आंसर की आ जाएंगे, तो मैं आपको आंसर की निकाल के लेके चला आऊँगा और वो भी ऑर्डर भी दिखा दूँगा किस तरह से आए हैं, क्या कहाँ क्या हुआ है, पूरी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो दोस्तों, रिजल्ट की इंतज़ार कीजिए। सभी जो छात्र छात्राएं हैं रिजल्ट को लेकर मांग रखे थे, तो बोले कि 26 से 27 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, पहले आंसर किया आएगा, उसके बाद देखिए 26 से 27 तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट के आप लोग एक दो दिन सिर्फ वेट कर लीजिए, आज 25 हो गया और कल 26 से 27। और देखिए, ऑर्डर आज पब्लिश हो जाता है तो आपका कल परसों तक रिजल्ट भी आ ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, जैसे भी जो भी अपडेट निकल कर आएंगे, मैं आपको कम खमू साथ अल्ट्रा अपडेट कर दूंगा, क्योंकि ऐसा अपडेट आ रहा था, मैं सोचा अपडेट कर दूं सभी को। तो काम खनुक साथ अल्ट्रा अपडेट रहने के लिए NKC को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल टन को ऑन कर लो, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना और अपने साथ फेसबुक पर सब ज़्यादा शेयर कर देना। फिर नए अपडेट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।